तो नेक्स्ट वी हैव 125, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच सच डेट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी. सो देखो एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, ठीक है, सो दिस इज अ ए बी लाइन सेगमेंट एंड ए जो पॉइंट है वो गिवन है -2, -2 एंड बी पॉइंट गिवन है 2, -4, ठीक है, ये गिवन है. एंड फिर बोला है कि जो पी पॉइंट है वो ए बी पे लाई कर रहा है, ठीक है, सो मान लो ये कोई पी पॉइंट है एंड इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ठीक है, सो हम एज्यूम कर लेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है. अब देखो हमारे पास ये भी गिवन है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है. नाउ देखो ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी. देखो दिस इज द होल ए बी एंड ए बी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ठीक है. सो इसमें इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, ठीक है, सो अपने पास आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए पी प्लस पी बी. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो अपने पास आ जाएगा कि 7 AP इज इक्वल टू 3 AP, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा 3 AP प्लस 3 PB. सो ये 3 AP को इधर लेकर आएंगे सो ये हो जाएगा 7 - 3 AP डेट इज 4 AP, ठीक है, सो 4 AP इज इक्वल टू 3 PB. सो AP अपॉन PB आ जाएगा अपने पास 3/4. तो ये जो ए पी और अपॉन पी बी आया वो आया अपने पास 3:4. तो इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट पी है वो इस ए बी को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है. अब हमें देखो हमें ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है और ये भी पता है कि जो पॉइंट पी है वो इस ए बी को 3:4 में डिवाइड कर रहा है. सो हम सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, ठीक है. तो वाई सेक्शन फॉर्मूला एक्स इक्वल टू है अपने पास एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 अपॉन एम प्लस एन, ठीक है. तो m इज इक्वल टू 3 एंड x2, देखो x2 है 2, ठीक है, सो याद आएगा 3 × 2 प्लस एन इंटू x1, सो n है अपने पास 4, सो याद आएगा 4 × x1 और x1 है -2, ठीक है, सो याद आएगा 4 × -2 अपॉन m प्लस n डेट इज 3+4. सो वी गेट x इज इक्वल टू 3 × 2 होगा 6, ठीक है, एंड 4 × -2 याद आएगा -8 अपॉन 7. So we get -2/7. अब देखो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन. सो m है अपने पास 3 × y2, तो y2 है, देखो y2 है -4 एंड y1 है -2, सो y2 इज -4 एंड प्लस n इंटू n है अपने पास 4 इंटू y1, सो y1 है -2 अपॉन m प्लस n डेट इज 7, ठीक है. सो y इक्वल टू वी गेट 3 × -4 से आ जाएगा -12 एंड 4 × -2 से आ जाएगा -8 एंड अपॉन 7. So we get y equal to -21/7. Sorry, -20 आएगा. -20/7.
कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज -2/7, -20/7. सो दिस इज द आंसर. Yeah, this is the answer.